देश में अगले साल इस समय तक नई सरकार सत्ता में आ चुकी होगी। चुनावों के नतीजे कई बातों से तय होंगे, लेकिन इससे पहले कुछ राजनीतिक फिल्में अच्छी खासी चर्चाएं बटोर चुकी होंगी। कुछ राजनेताओं की बायोपिक टिकट खिड़की पर आने को तैयार है, तो कुछ फिल्में राजनीतिक घटनाक्रमों की चटखारेदार बातें करेंगी। कुछ फिल्मों की सुगबुगाहट है जो राजनीतिक तापमान में उठा पटक कर सकती है। इनमें पिछले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रेस सलाहकार रहे संजय बरुआ की 2014 में आई किताब पर बन रही फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर अव्वल नंबर पर है। शूटिंग हो चुकी है और सिंह की भूमिका में अनुपम खेर नजर आएंगे। अगले साल चुनावी रंगत से पहले निर्देशक निखिल आडवाणी भी दिल्ली के बटला हाउस एनकाउंटर पर फिल्म बनाने और रिलीज करने की तैयारी में है। फिल्म में पहले सैफ अली खान थे, अब उनकी जगह जॉन अब्राहम है। ये विवादित एनकाउंटर यूपीए सरकार के दौरान 2008 में हुआ था। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत पर उठने वाले संदेहों पर ताशकंद नाम से फिल्म बना चुके हैं। ये 2019 में रिलीज होगी। बॉलीवुड ही नहीं, साउथ में भी 2019 में राजनीतिक बायोपिक फिल्मों से फायदा लेने की कोशिशें हैं। अभिनेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव की बायोपिक गब्बर इज बैक बनाने वाले क्रिश डायरेक्ट कर रहे हैं। विद्या बालन एनटीआर की पत्नी बनी है। साउथ में जयललिता की बायोपिक बनने की तैयारियां शुरू हुई है। एनटीआर की बायोपिक बनाने वाली कंपनी ही इसे भी बना रही है। जयललिता की भूमिका के लिए साउथ की नायिकाओं के नाम सामने आ रहे हैं, परंतु इस दौड़ में बॉलीवुड की ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम तेजी से सामने आया है।